पूछा गया, सब्रे जामील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी से बड़ी और आसान फकीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। बारिश का कतरा सांप और सिपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप उसे जहर बना देता है, जबकि सिपी उसी कतरे को मोती बना देती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला जुबान सबको देता है। कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है और कोई मोती बखेर कर बुलंद हो जाता है। इंसान को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मामूली से खास बनने में लामहदूद अरसा लगता है, मगर खास को मामूली बनने में मुख्तसर मुद्दत ही दरकार होती है। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दें तो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा शदीद होता है, और जुबान का लगा हुआ जख्म कुल्हाड़ी के जख्म से ज्यादा दर्दनाक। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बर है। बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। मुसलमानों, बेटियों की पैदाइश पर खुश हुआ करो, काफिरों की तरह गम ना किया करो। जो बुराई की जगह जाता है उस पर तोहमत जरूर लगती है। आपकी बेहतरी किस में है, आपका रब आपसे बेहतर जानता है। और जब किसी ने आपको छोड़ना होगा तो सबसे पहले उसका बोलने का अंदाज बदल जाएगा। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रह के मीठा रहा जाए। अपने वालिद की बातें गौर से सुनो, ताकि दुनिया वालों की ना सुननी पड़े। जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं, लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते लोग। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है तो उसका रिजक तंग हो जाता है। एक समझदार शख्स दूसरे ना समझ को जानता है, क्योंकि एक जमाने में वो भी ना समझ था, लेकिन एक ना समझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। बाजार में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ और माँ का प्यार नहीं मिलता। सिगरेट तर्क कर देने से आपके साथ साथ आपके बच्चे और इतराफ के लोग भी महफूज रहेंगे। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। सबसे नुकसानदेह गोश्त वो है जो अपने भाई की गीपत करके खाया जाए। माँ के पांव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो, बाप की नाराजगी तुम्हें जहन्नम में ना पहुंचा दे। मैंने एक चीज पर गौर करके देखा है, मेरे रब ने मुझे कभी मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाया, लेकिन इंसानों ने हमेशा मुझे वहां से आजमाना शुरू किया जहां मेरी हिम्मत और बर्दाश्त की हद होती है। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। एक दफा सब गांव वालों ने बारिश के लिए इकट्ठे दुआ करने का मंसूबा बनाया। दुआ के दिन सब इकट्ठे हुए तो एक बच्चा छतरी लेकर आया। ये है ईमान। अगर हम बच्चे को हवा में फेंकते हैं तो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने उसको फेंका है वो उसको पकड़ेगा भी। ये है यकीन। हर रात हम बिस्तर पर जाते हैं, हमें अपने दोबारा उठने का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगा लेते हैं। ये है उम्मीद। इसलिए हमें अपने अल्लाह पर ईमान, यकीन और उम्मीद होनी चाहिए। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा दे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन।